वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटे. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दी सेल एंड इट्स वेरियस फंक्शंस. इसके फंक्शंस जो हैं हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. ठीक. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी. ये हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जितना कुछ आपको जरूरी है जानना. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. बेटे सेबी जब से एक स्टेचुटरी बॉडी बनी है, जब इसको स्टेचुटरी बॉडी का स्टेटस मिला, तब से इसकी एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा, एक्टिविटीज का स्कोप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट सेबी को हमने रीस्ट्रक्चर किया है, हमने इसको रैशनलाइज किया इन ट्यून विद इट्स एक्सटेंडेड स्कोप. जब भी किसी बॉडी का स्कोप या रेंज ऑफ एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो हमें उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है. तो इसी तरह हमने सेबी को भी रीस्ट्रक्चर किया है, रैशनलाइज किया है, ताकि हम उसकी जो एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज के इन ट्यून आ सके. ठीक है. सेबी का एक हेड ऑफिस है जो कि मुंबई में है, सबको पता है. अपार्ट फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई, इट हैज रीजनल ऑफिसेस इन अदर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई. मुंबई में तो है ही है, 4 है ना मेट्रोस, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है. और इसके रीजनल ऑफिसेस जो हैं, दे आर सिचुएटेड इन दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है. इनका पर्पस क्या है? टू अटेंड टू द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स. अगर एक ही जगह सेबी का ऑफिस रहेगा हेड ऑफिस में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स को वो केटर नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो इसीलिए रीजनल ऑफिसेज में, रीजनल ऑफिसेज इसके सेटअप किए गए हैं, ताकि वो कस्टम इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को अटेंड कर सके और लायजन कर सके, यानी एक कॉन्टैक्ट, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके विद द इश्यूअर्स, विद द इंटरमीडियरीज एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंसर्न्ड रीजन. ठीक है. अब सेबी के 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं. हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो सेबी के 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं. ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन फंक्शंस, रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड ईच फंक्शन इज हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. हर जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करता है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है. ये हो गया इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि सेबी ने 2 एडवाइजरी कमिटीज भी फॉर्म की हुई है. सेबी हैज फॉर्म्ड 2 एडवाइजरी कमिटीज. वन इज प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी एंड अनदर इज सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी. इन मार्केट के मेंबर्स, इन कमिटीज के मेंबर्स कौन कौन हैं? बेटे इसमें मार्केट प्लेयर्स हैं, ठीक है. इसमें इन्वेस्टर्स की एसोसिएशंस हैं जो कि सेबी रिकॉग्नाइज करती है, और फिर कैपिटल मार्केट में जो एमिनेंट पर्संस हैं, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट कोई ब्रोकर है, इंटरमीडियरी है, वो इसके मेंबर्स रहते हैं. ये जो एडवाइजरी कमिटीज है, एडवाइजरी कमिटी का पर्पस हमेशा क्या होता है? कोई इम्पोर्टेंट इनपुट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सके. तो सिमिलरली ये जो कमिटीज हैं, प्राइमरी एडवाइजरी मार्केट कमिटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेबी सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू नो इम्पोर्टेंट इनपुट्स टू सेबीज पॉलिसीज. अब ये नहीं समझना कि ये कमिटीज भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं. नहीं, दीज आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर एंड सेबी इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ दीज कमिटीज. अगर ये सेबी को कोई एडवाइस देती है, ऑब्वियसली दे आर सेट अप टू प्रोवाइड एसेंशियल इनपुट्स टू सेबी ओनली. लेकिन अगर ये कोई ऐसी एडवाइस देती हैं जो सेबी नहीं मानना चाहता, तो सेबी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है.
ठीक है, उसके लिए ऑप्शनल है क्या वो इन कमिटीज की एडवाइस को मानना चाहता है कि नहीं। सेबी इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ दीज कमिटीज। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। All right. So now let us start with one topic which was left in this chapter, and that is trading procedure in stock exchange. बेटे पहली बात, stock exchange का सारा जो काम है वो online हो गया है। There was a time जब stock exchange के floor के ऊपर ये सारी trading होती थी। Brokers would accumulate, they would tell कि हमको ये वाला share चाहिए, और ऑक्शन होती थी, वो शेयर का प्राइस बोलते थे कि मैं ये वाला शेयर 100 रुपए पे लेने को तैयार हूँ, मेरे को 1000 शेयर दे दो। अगर कोई दूसरा कहता था मैं 101 पे लेने के लिए तैयार हूँ, इस तरह से बिडिंग होती थी। तो जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको वो शेयर्स चले जाते थे, और इस तरह से शेयर के प्राइसेस जो है फिक्स होते थे और शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती थी। बट टूडे ट्रेडिंग इन शेयर्स और सिक्योरिटीज is executed through an online, जो शेयर्स की ट्रेडिंग है वो कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। आज जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो स्क्रीन बेस्ड है, ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो उसके थ्रू यानी सारी जो बाइंग और सेलिंग है शेयर्स की, that is done through a computer terminal. Now there is no open outcry system. पहले जो सिस्टम होता था ना उसको हम कहते थे ओपन आउटक्राई सिस्टम, जहां पर जो सिक्योरिटीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर के ऊपर बेची जाती थी। इसमें डील ब्रोकर्स में स्ट्रक होती थी, प्राइसेस को शाउट आउट किया जाता था, एंड The shares were sold to the highest bidder. ठीक है, लेकिन आज सारी stock exchanges electronic हो गई हैं, सारी trading जो है वो broker के office में की जाती है through a computer terminal. Stock exchange के पास एक main computer system है जिसके terminals जो हैं they are spread across the country. ठीक है, मेन कंप्यूटर सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज में है और उसके टर्मिनल्स जो है वो ऑल ओवर दी कंट्री स्प्रेडेड है। सो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर्स। कौन करता है ट्रेडिंग? ब्रोकर्स करते हैं। ब्रोकर्स दे आर दी मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो वी कैन से दैट ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्लोर टू ब्रोकर्स ऑफिस। पहले जो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के फ्लोर के ऊपर की जाती थी, जहां पे ब्रोकर शाउट आउट करता था प्राइस और हाईएस्ट बिडर को शेयर्स बेच दिए जाते थे, आज ये सिस्टम रिप्लेस हो गया है। दिस इज नाउ एन आउटडेटेड सिस्टम। इट हैज बीन नाउ यू नो शिफ्टेड, द वेन्यू हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर टू ब्रोकर्स ऑफिस। आज के टाइम पे क्या होता है, हर ब्रोकर का कंप्यूटर टर्मिनल में एक्सेस होना जरूरी है, वो जो कि मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेंबर जो है हर एक ने जिन्होंने अपनी मेंबरशिप ली होती है वो अपना मेंबरशिप नंबर डाल के लॉग इन करते हैं, एंड यू गेट यू नो स्क्रीन बेस्ड एक ट्रेडिंग आपके सामने आ जाती है। कोई जो भी मेंबर इसको लॉग इन करता है और उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यू नो शेयर्स विच ही विशेस टू बाय और सेल, और अगर वो कोई शेयर बेचना चाहता है, सपोज मैंने एक शेयर लिया था उसकी प्राइस थी 110 रुपए, अब मैं उसको 115 पे बेचना चाहती हूँ, तो आई विल पुट देयर माय लाइक द नंबर ऑफ शेयर्स यू वांट टू सेल इक्वल टू 100, या 50 बेचना चाहती हूँ तो मैं 50 लिख दूंगी, कौन सी कंपनी का शेयर है मैं नाम लिख दूंगी, प्राइस किस प्राइस पे बेचना चाहते हो मैं लिख दूंगी। ठीक है, मैंने 100 का लिया था, मैं 110 का बेचना चाहती हूँ, तो अगर कोई बायर इस कंपनी का शेयर लेना चाहता है 110 रुपए में, वो अपनी बिड डाल देगा और वो मैचिंग हो जाएगी स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने अपनी डिमांड डाली हुई है, मैंने अपना
जो मैं बेचना चाहती हूँ वो मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, अगर कोई दूसरा मेंबर जो लेना चाहता है वो देखता है, उसके साथ मैच हो चुकी वो उस पर क्लिक करेगा, तो मेरे सारे शेयर्स 110 रुपए पे जो मैंने प्राइस डाला हुआ है उसको बिक जाएंगे, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग ऐसे होती है कि जैसे ही कोई ऑर्डर मैच हुआ वो ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी फ्रॉम द काउंटर पार्टी, ठीक है। पूरी जो ट्रांजेक्शन है बेटे दैट इज कैरीड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विद बोथ द पार्टीज बीइंग एबल टू सी इट, देयर इज सो मच ट्रांसपेरेंसी, मुझे पता चल रहा है कि मेरा शेयर कोई खरीद रहा है, ठीक है। तो आई कैन सी ऑन द स्क्रीन द अदर पर्सन हु इज बाइंग द शेयर, ही कैन ऑल्सो सी द यू नो प्राइसेस गोइंग अप और डाउन, ठीक है। सो अब जो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स वी आर इंटरेस्टेड, अब तो मैंने आपको सारी राम कहानी सुना दी कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे होता है, लेकिन अभी भी लेट अस से आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको लगा कि हाँ भाई शेयर्स में तो इन्वेस्ट करना, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना इज रियली यू नो प्रॉफिटेबल बिजनेस, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप में से काफी बच्चे कल को शेयर्स में डील करेंगे, तो एक होती है डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग होती है स्पेक्यूलेटिव, सट्टा होता है, सुबह लिए शाम तक बेच दिए, ठीक है, दैट इज अ बिट रिस्की, क्वाइट रिस्की एक्चुअली, ठीक है। वेयर एज दूसरा होता है आप शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको रिटेन करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते जाते हैं, यानी अपने नंबर ऑफ शेयर्स डाइवर्सिफाइड पोलियो पोर्टफोलियो, आपके पास 1,000 रुपए बचे तो आपने 1,000 रुपए के एक कंपनी के शेयर ले लिए, अगले महीने आपके पास 10,000 रुपए आए आपने 10,000 के शेयर्स ले लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बिल्डअप करना। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड यू वॉन्ट टू पुट योर स्मॉल सेविंग्स इन टू समथिंग विच विल गिव यू हायर रिटर्न, देन शेयर मार्केट इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बट लॉन्ग रन के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए नहीं, ठीक है, ओके। सो ट्रेडिंग प्रोसीजर करते हैं, दीज आर द स्टेप्स विच आई हैव मेंशनड, सो वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक बारी जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर, बेटे आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, आप कौन से शेयर्स, कौन सी कंपनी के शेयर्स और कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपने ऑनलाइन डाल दिया आपकी ये रिक्वायरमेंट है, कोई भी पर्सन अदर पार्टी ये वाले शेयर उसने बेचने पे लगाए हुए हैं, आपका उसके साथ ऑर्डर मैच हो गया, फिर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपको वो शेयर्स आपके घर तक आ जाएंगे, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा अपने ब्रोकर की तरफ से, उसको फिल करके पेमेंट करके आप जब दे देंगे तो शेयर्स की डिलीवरी हो जाएगी, एंड लास्ट पॉइंट देयर विल बी सेटलमेंट ऑफ डील, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दी स्टेप्स वन बाय वन। सो फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, बेटे इफ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, फर्स्टली ही हैज टू अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, सबसे पहले उसको एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकर या सब ब्रोकर, ठीक है, एंड ही विल हैव टू एंटर एन अग्रीमेंट विद हिम। अग्रीमेंट क्या होता है, जब आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे ना, आप कहेंगे कि मैं ना शेयर्स में डील करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को इस सो एंड सो कंपनी के या किसी भी कंपनी के, मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को ये खरीदवा दीजिए, तो आपको वो ब्रोकर कहेगा ओके फाइन, दिस इज एन अग्रीमेंट, यू प्लीज गो थ्रू दिस अग्रीमेंट एंड पुट योर सिग्नेचर ऑन इट, दैट अग्रीमेंट इज नोन एज ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट, ठीक है ना। आप उसके साथ डील करने जा रहे हैं कि कल को आप मेरे बिहाफ पे मेरे पैसे देके और शेयर्स खरीदेंगे, यू विल हैव टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, सो इन्वेस्टर विल साइन अ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट,
एंड ए क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ठीक है, क्या क्या उसको करना पड़ेगा? एक उसको ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एंड एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हर ब्रोकर अपने पास रखता है ताकि वो क्लाइंट उसका उसके साथ रजिस्टर हो सके, वो उसको साइन करना पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा क्लाइंट को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन कुछ डिटेल्स ब्रोकर को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि पैन. यू नो व्हाट इज पैन? एनीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? यस बेटे, Do you know what is the full form of PAN? It is, yes, Akriti, it is permanent account number. So kya hota hai ye permanent account number? Kis cheez ka hai? Kaun issue karta hai ye PAN? Ye PAN issue karta hai beta income tax department, IT department. Theek hai, to jitne bhi income tax assessees hain वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके बदले उनको एक वो रजिस्टर जब वो करवाते हैं तो दे गेट वन कार्ड ऑन विच देयर वन नंबर पैन इज मेंशन्ड. ठीक है, सो ये जो पैन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप कोई भी शेयर्स सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते. ठीक है, तो आपको अपने ब्रोकर को कुछ डिटेल्स कुछ इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें सबसे पहला है पैन, फिर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर ऑक्यूपेशन, देन रेजिडेंशियल स्टेटस वेदर यू आर एन इंडियन और एन NRI, देन बैंक अकाउंट डिटेल्स. इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी. फिर डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, जब आपको शेयर्स में डील करना है एक तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, दूसरा आपको किसी डिपॉजिटरी, दो डिपॉजिटरीज हैं आपने पढ़ा होगा CDSL NSDL, इनमें से किसी एक डिपॉजिटरी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी. फिर अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ भी रजिस्टर्ड हैं उसका भी नेम आपको बताना पड़ेगा. देन जो आपने क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उसके अकॉर्डिंग एक आपको क्लाइंट कोड नंबर मिला होगा, क्लाइंट कोड नंबर ये ब्रोकर ही देता है. ठीक है, सो दिस डिटेल यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड टू दी ब्रोकर. ठीक है, क्या क्या, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आपने ब्रोकर सिलेक्ट करना है, ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सब ब्रोकर भी हो सकता है वो, उसके साथ आपने ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट साइन करना है और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. यू हैव टू प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन एज वेल लाइक पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड एनी अदर ब्रोकर विद होम यू आर रजिस्टर्ड एंड क्लाइंट कोड नंबर. तो ये सब जब आप ब्रोकर को दे देंगे, ब्रोकर ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर आपके नाम का एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा, यानी अब आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आ गया. नाउ यू कैन बाय और सेल द सिक्योरिटीज यूजिंग दिस ट्रेडिंग अकाउंट. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट स्टेप is to open a DMAT account. बेटे DMAT account is the short form of dematerialization. Anyone, can you explain me dematerialization का मतलब क्या है?
बेटे 1991 से पहले जो शेयर्स है ना वो मटेरियल फॉर्म में होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे, कागज, ठीक है, कागज जैसे पेपर है, प्रिंटेड पेपर है, उसके ऊपर लिखा होता था अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए तो आई कुड शो यू, ये देखो बेटे ये मेरे कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने 10 शेयर लिए तो कंपनी मेरे को इस तरह से एक सर्टिफिकेट इशू करती थी कि शेयर्स नंबर से 21 to 30 हैव बीन अलॉटेड टू मोनिका कुकरेजा फॉर द फेस वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, एक सर्टिफिकेट काइंड होता था. तो आई वुड हैव टू यू नो कीप इट विद मी सेफली क्योंकि मटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, और अगर ये मेरे को बाय पोस्ट आ जाते थे मेरे घर, और अगर मुझे इनको बेचना होता था तो जब मेरी मैं ब्रोकर से मेरी बात होगी उसने बेच दिए और वो मेरे को मेरे से ये ले जाता था और बाय पोस्ट जिसको गए हैं जिसको जिसके नाम जिसको बेचे हैं उनको भी ये भेज दिए जाते थे, ठीक है. तो अब ऐसी सिचुएशंस आ गई, एक तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, फिर इस तरह से फ्रॉड बहुत ज्यादा होते थे, या अगर मिसप्लेस हो जाता तो आपकी सारी, सपोज करो आपका शेयर मिसप्लेस हो गया तो आपको कंपनी पैसे वापस नहीं दे सकती, आप किसी को भी बेच नहीं सकते. सो इन खामियों के चलते हमने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया, डीमैट. हमने शेयर्स को डीमटीरियलाइज कर दिया. Now the shares do not exist in physical form. मेरे पास कितनी कंपनी के शेयर्स हैं लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती, ठीक है, क्यों नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो डीमैट डीमटीरियलाइज्ड कर दिया. तो कैसे पता चलेगा मेरे पास या कैसे आएंगे फिर मेरे पास, जब बेटे ये शेयर्स मैं खरीदूंगी तो मेरा एक अकाउंट है जिसमें जो कि डीमैट अकाउंट है, उस अकाउंट में सब सारा मेरा खाता रहेगा, लिखा जाएगा कि मैंने ये वाले शेयर्स खरीदे, इतने शेयर्स मेरे पास अपोलो के हैं, इतने शेयर्स मेरे पास सेल के हैं, इतने शेयर्स मेरे पास एनएचपीसी के हैं, इतने शेयर्स मेरे पास गुजरात रिफाइनरीज के हैं, इतने शेयर्स मेरे पास डीसीबी के हैं. जिस तरह से आपकी एक पासबुक होती है बैंक की, आपका अगर एक अकाउंट है तो आपकी पासबुक होगी. You must have seen passbook. Have you? How many of you have seen passbook? आप में से कितनों ने बेटे पासबुक देखी है? ओके की बच्चा मौलिक, ओके, सम्यक ने भी देखी है, डेंजस देव, अनुष्का, जतिन, ओके. सो बेटे उसमें पासबुक में लिखा होता है कि आपके इतने नाम के, आपके नाम के इतने पैसे हैं, इतने डिपॉजिट हुए, इतने विदड्रॉ हुए. सिमिलरली डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपकी सिक्योरिटीज का ब्यौरा है, आपने कितने शेयर्स खरीदे, आपने कितने शेयर्स बेचे, ठीक है. दिस इज डीमैट अकाउंट. इसको हम बेनिफिशियरी बेनिफिशियल ओनर अकाउंट बीओ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट ये भी कहते हैं, ठीक है, बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट. इसको हमें एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खोलना होता है, डीपी के साथ. ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती हैं, ठीक है, तो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं. आपका एक बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी है ताकि आप अपनी सिक्योरिटीज के में कैश ट्रांजैक्शंस कर सकें, ठीक है. नाउ यू हैव सिलेक्टेड द ब्रोकर, ब्रोकर हैज ओपन्ड योर ट्रेडिंग अकाउंट, यू हैव ओपन्ड योर डीमैट अकाउंट, एंड यू हैव यू नो आपने अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लिया है. किसके साथ वो खोलना है डीमैट अकाउंट, वो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खोलना है. नाउ यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज. सो नेक्स्ट स्टेप दस इट बिकम्स टू प्लेस द ऑर्डर. आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. अगर आपने ब्रोकर सिलेक्ट नहीं किया और आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऑर्डर कब प्लेस कर सकते हो, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर ब्रोकर, यू हैव ही हैज ओपन्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट इन योर नेम,
you have opened your demat account with any of the depository participant. Now you can place the order with the broker to buy or sell the shares. Give instructions to the broker, आपको कितने shares चाहिए, किस price पे चाहिए, ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं जो आपने invest करने हैं. So the broker may, you know, guide you and he will go ahead with the deal and issue an order confirmation slip to the investor. Once he has done, जो आपने कहा था वो हो गया, तो एक order confirmation slip जो है वो investor को issue कर देगा, ठीक है. बेटे यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.